नमस्कार मित्रों, मैं राजेश शुक्ला आपके YouTube चैनल एम्स इंडिया 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम संधि की चर्चा शुरू कर चुके हैं और संधि में हमने कुछ बातों की चर्चा कर ली थी। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमने किन किन बातों की चर्चा कर ली है। जो टॉपिक है हमारा वो संधि है और संधि के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उसकी चर्चा हमने बता दी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा जोड़। फिर हमने आपको बताया कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णों के विकार से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि संधि के भेद, तो संधि तीन प्रकार की हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने चर्चा की कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हमने बताया कि अगर आप संधि की परिभाषा जान रहे हैं उसी के आगे आप स्वर जोड़ दीजिए, आपकी स्वर संधि की परिभाषा बन जाएगी। तो स्वर वर्णों के विकार से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फिर हमने बताया कि स्वर संधि के भेद कितने हैं या स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि स्वर संधि कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, ये भी बातें शायद हो चुकी थी। वो 5 प्रकार क्या हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। ये 5 आप स्वर संधि के भेद हैं। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चर्चा में आप सभी समझ भी होंगे। अब आज के वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि की चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि संधि को कैसे बनाया जाता है या संधि की पहचान कैसे की जाती है। हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि आप संधि को देखते ही पहचान जाए कि वो किस संधि का है और उसका विच्छेद कैसे होगा। सबसे पहले हम आइए ये जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। दीर्घ को हम सभी जानते हैं कि दीर्घ का शाब्दिक अर्थ ही होता है बड़ा या विस्तृत या दीर्घ, जिसे आप कह रहे हो। स्वर, जब स्वर को दीर्घ कर दिया गया तो ही आपका दीर्घ स्वर संधि बन गया। और दीर्घ करने के लिए हमें करना क्या पड़ा होगा, 2 स्वरों का योग करना पड़ा होगा, तभी इसे क्या कहा गया, दीर्घ कहा गया। अब इतनी बातें देख लिए कि किसी भी चीज को दीर्घ करने के लिए पहले 2 छोटे छोटे भागों को उसमें मिलाया जाता है और यह क्रिया में आकर करेंगे। तो आइए दीर्घ स्वर संधि की चर्चा शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। अब आइए समझते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। इसी के अर्थ को आप समझते ही जान जाएंगे कि इसमें किस किस चीज का कैसे प्रयोग करना है। अक का तात्पर्य होता है अक प्रत्याहार से, अक प्रत्याहार से। अक प्रत्याहार क्या है, जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8, 9 तो सभी प्रत्याहार के बारे में पढ़ चुके होंगे। फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं कि किसी विस्तृत शब्द को संक्षिप्त करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं, हमने ये कहा कि विस्तृत चीज को या विस्तृत शब्द को संक्षिप्त करने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, प्रत्याहार। इससे जाहिर है कि अक जो बना हुआ है ये किसी विस्तृत शब्द को छोटा किया गया होगा। तो इसमें हमें ये देखना कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, ऊ, रे और ली आते हैं। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ड आते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड हैं, आ, ई, ऊ, री, रि। फिर कह रहा सवर्ण, समान, सवर्ण अर्थात समान। अब ये पता चल रहा है कि अक के समान जब कोई दूसरा वर्ड आ जाए, अक के ही समान अर्थात इन्हीं वर्णों के समान ही
दूसरे वर्णों का प्रयोग कर दिया जाता है तो ही आपका क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। आइए अब इसे विस्तृत रूप से समझते हैं, इसकी परिभाषा। तो इसका तात्पर्य होगा कि जब, इससे पहले कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि संधि में हम अब क्या करेंगे, दो पद बनाएंगे। जो पहला पद होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे, और जो दूसरा पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। और हम जब परिभाषा बताना शुरू करेंगे तो इन दोनों का नाम लेते रहेंगे। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा संधि में पूर्व पद के अंतिम वर्ण को ध्यान में लेना है और उत्तर पद के पहले वर्ण, ठीक है। हमेशा संधि में पूर्व पद की पूर्व पद के अंतिम वर्ण को ध्यान में रखना है और उत्तर पद के पहले वर्ण को, ठीक है। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। अब परिभाषा समझते हैं। परिभाषा हम सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार, अक का तात्पर्य अभी अभी हमने आपको बताया कि आ, ई, उ, री, रिय, ठीक है। जब पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार आए अथवा आ, ई, उ, री, रिय आए तथा उत्तर पद के पहले, उत्तर पद के पहले भी अक प्रत्याहार आए, भी अक प्रत्याहार आए तो इतनी बातें आप ना समझ लीजिए कि जब पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार अर्थात आ, ई, उ, री, ऋ आए तथा उत्तर पद के पहले भी अक प्रत्याहार है तो वह किसका निर्माण होगा। आप देखिए ध्यान रखिएगा कि पूर्व पद और अंतिम पद जो होगा वो समान वर्ण होंगे, यानी जब पूर्व पद में आएगा तो उत्तर पद में भी आएगा और जब आ और आ में होगा क्या बनेगा, तेरे आ बन जाएगा। दूसरी चीज जब ई और ई का मेल होगा तब बनेगा बड़ी। जब इसे बगल में लिखते रहे बाकी हम ताकि दिखाई दे, और ऊ धन ऊ का मेल होगा तो बनेगा बड़ा ऊ, री धन री का मेल होगा तो बनेगा दीर्घ, ठीक है। री जो होता है उस वर्ड का दीर्घ नहीं होता, यानी ऋ को दीर्घ रूप में लिखा नहीं जा सकता। ऋ के दो ही रूप होते हैं, एक ह्रस्व और एक प्लुत, ठीक है। अर्थात ऋ को दीर्घ अवस्था में नहीं लिखा जा सकता। अतः इतने वर्णों को आपको ध्यान में रखना है कि आ का मेल होगा आपका बड़ा आ, ई की मेल से बड़ी ई, ऊ की मेल से बड़ा ऊ, री री की मेल से दीर्घ री। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, जरूरी नहीं कि यहाँ छोटा आ लिखा है तो छोटा आ ही आए, ठीक है। यहाँ दीर्घ आ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या दोनों जगह हो सकता है, वही अवस्था यहाँ दीर्घ हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है या दोनों जगह हो सकता है, वही अवस्था इन दोनों जगह भी रहेगी क्योंकि ये अर्थ के अनुसार चलेंगे, ठीक है। इनकी अवस्था अर्थ के अनुसार बदलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ बातें आप समझ गए होंगे कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, अपह सवाय दीर्घ, ठीक है। इसके अनुसार हमने देखा कि जब पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार अर्थात आ, ई, उ, री, रि आए अथवा तथा उत्तर पद के पहले भी क्या आए, अक प्रत्याहार आए अर्थात समान वर्ण आए, ठीक है। तो आ की मिल से बड़ा आ, ई की मिल से बड़ी ई, उ की मिल से बड़ा उ, री की मिल से दीर्घ, इनका निर्माण हो जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए उदाहरण की चर्चा शुरू करते हैं। उदाहरण में हम आप देखिए कैसे बनता है और कैसे विच्छेद होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे फिर उसे तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम आ का देखते हैं, ठीक है, लिखा है महा धन आत्मा, महाधन आत्मा, ये आपका हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि हमें संज्ञा पूर्व पद के अंतिम वर्ण को ध्यान में रखना है और उत्तर पद के पहले वर्ण को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, हा है, ठीक है। हा की मात्रा को हम बाहर कर लेंगे, तो हा पे कौन सा मात्रा है, बड़ा हा, ठीक है। उत्तर पद का पहला वर्ण हमें चुनना है तो ये स्वयं मात्रा है, किसी मात्रा को हम बाहर कर लेंगे, यहां लगा देंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब आ और आ के मिल से क्या बनेगा, बड़ा हा, ठीक है। हमने आपसे पहले बताया था कि यहाँ छोटा बड़ा हो सकता है, अब आ की मिल से बन गया बड़ा। आपको जोड़ना कैसे, ध्यान से समझिएगा कि उत्तर पद के पहले वर्ड को हम क्या कर देंगे, निशा गायब कर देंगे, ठीक है। उत्तर पद के पहले वर्ड को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, और जो यहाँ पर मात्रा बनेगा, ध्यान समझिएगा, उत्तर पद के पहले वर्ड को विलुप्त अर्थात गायब कर देंगे, और जो यहाँ पर निर्मित होगा अर्थात जो भी वर्ड या मात्रा निर्मित होगी उसे पूर्व पद के अंतिम वर्ड पर लगा देंगे। तो यहाँ आदमी बड़ा का मात्रा लगा हुआ है, फिर भी आप नियमानुसार चलिए कि जो मात्रा यहाँ बनेगा उसे कहाँ लगाना है, पूर्व पद के अंतिम वर्ड पर लगाना है, ठीक है। और गायब किसे करना है, उत्तर पद के पहले वर्ड पर जोड़ दीजिए, क्या बन गया, महात्मा, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण की मात्रा को हमने बाहर किया, उत्तर पद के पहले वर्ण की मात्रा को हमने बाहर किया, ठीक है। फिर दोनों मात्रा को हमने जोड़ा तो क्या बना, दीर्घ आ बन गया। पुनः हमें जोड़ते समय क्या करना है कि उत्तर पद के पहले वर्ण को गायब कर देना है, ठीक है, और जो मात्रा यहाँ बना रहेगा उसे पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर लगा देना है और उसे जोड़ देना है, जो भी बनेगा वही हमारा क्या होगा, संधि होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, लिखा है परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमेशा 11 लिखेंगे और उत्तर पद का पहला वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर कौन सा मात्रा है, छोटा आत्मा मात्रा है, उत्तर पद का वर्ण जो है वो स्वयं मात्रा है, अब आपके मिल से क्या बना, बड़ा। हमने यही बताया कि हमें आपको यही करना है। अब जोड़ते समय में क्या ध्यान देना है कि उत्तर पद के पहले वर्ण को क्या करना है, गायब कर देना है, ठीक है। और जो भी मात्रा यहाँ बनेगा उसी मात्रा को आप पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ छोटा था, अब ये बड़ा का मात्रा वहां पे लग जाएगा, क्या बन जाएगा, परमा। अब ये परमा बन गया, उत्तर पद का पहला वर्ण गायब है, जो बचा है उसी को जोड़ दीजिए, बन गया परमात्मा। उम्मीद करके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक उदाहरण आइए और ले लेते हैं, आगा आपको सेम कंडीशन हमेशा अप्लाई ही करना है, जैसे जैसे लिखा शब्द धन अलंकार, शब्द धन अलंकार, पुनः वही काम कीजिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर कौन सा मात्रा है, आका, उत्तर पद का पहला वर्ण स्वयं मात्रा है, आका जब मेल करेंगे यहाँ तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, ठीक है। पुनः वही क्रिया कि उत्तर पद के पहले वर्ण को गायब कर दीजिए, ठीक है। जो मात्रा यहाँ पर बना है उसे प्रथम पद के अंतिम अक्षर पर लगा दीजिएगा, तो ये क्या बना, इधर बन गया शब्दा, ये मात्रा जो हमने यहाँ पर लगाया जब शब्दा बन गया, आपको हमने गायब कर दिया है, जो बचा है उसी को आप जोड़ दीजिए, बन गया आपका शब्दालंकार, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आ से संबंधित है। अब
आइए इस संबंधिता से देखते हैं। लिखा है लक्ष्मी धन इच्छा, वही काम यहां भी प्रथम पद के अंतिम वर्ण की मात्रा को बाहर कर लीजिए और उत्तर पद के पहले वर्ण, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, बड़ी बन गया। फिर वही कार्य करना है कि उत्तर पद के पहले वर्ण को गायब कर देना है, ठीक है, उत्तर पद के पहले वर्ण को गायब कर देना है। फिर जो मात्रा यहाँ बना रहेगा उसी को आप पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर लगाएंगे। हालांकि वो लगा है लेकिन आप नियम के अनुसार चलिए कि हमें इस मात्रा का प्रयोग प्रथम पद के अंतिम अक्षर पर करना है। अब जोड़ते हैं, आपको बस यही एक ही लाइन में पूरा विच्छेद अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मी यहाँ तक बन गया, ये गायब भी है, जो बच्चा है उसी को जोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए ई का दूसरा उदाहरण लीजिए। कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर पूर्व पद का अंतिम उत्तर पद का पहला, यहां से क्या निकला छोटी, यहां से क्या निकला बड़ी, पूर्व पद के अंतिम वर्ण का मात्रा उत्तर पद का पहला वर्ण, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बना बड़ी ही बन गया, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ा तो बड़ी ही बन गया। अब वही क्रिया भी कि उत्तर पद का पहला वर्ण गायब कर दीजिए, ठीक है, जो मात्रा यहाँ पे आपने बनाया है या जिस वर्ण का निर्माण आपने किया है उसे पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर लगाइए, ठीक है। जब वाक्य छोटी का मात्रा है, जब बड़ी का प्रयोग करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए तब बना कवि, कवि बन गया यहाँ तक, और ई गायब है आपका, जो बचा उसे जोड़ लीजिए, बन गया कविश्वर। उम्मीद करते बात आपको समझ में आती होगी, ठीक है। यदि आपको इसमें ऐसा कुछ भी रहे जो ना समझ में आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, उसे हम दोबारा समझाएंगे। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक उसे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम कोशिश यही करेंगे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। फिलहाल अभी जोड़ना बता रहे हैं, अभी हम बताएंगे कैसे तोड़ा जाता है, कहाँ से तोड़ा जाता है, कैसे आप पहचान कर लेंगे देखते ही कि कौन सा संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आप समझ गए होंगे। आइए ओ की मात्रा का प्रयोग करके देखते हैं। लघु उत्तम, वही क्रिया बार बार हम कह रहे हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का पहला वर्ण, आपको सिर्फ एक ही लाइन में विच्छेद कर देना, आपको कई लाइन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। घाटी कौन सा मात्रा है छोटा उत्तर, उत्तर पद में या पूर्व पद का अंतिम वर्ण ऊ निकला, उत्तर पद का पहला वर्ण ऊ निकला, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दीर्घ बन जाएगा, ठीक है। फिर वही क्रिया, उत्तर पद के पहले वर्ण को गायब कर दीजिए और जो वर्ण आपने यहाँ बनाया है, जो मात्रा यहाँ पे बनी है उसे पूर्व पद के अंतिम अक्षर पर प्रयोग कर दीजिए, बन गया आपका लघु, और यहाँ पे जो बचा है उसे यहीं पे जोड़ दीजिए, बन गया आपका लघुत्तम, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण और लेते हैं, सारे उदाहरणों का उपयोग उसी नियम से होगा, बस आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। जैसे वधु धन उत्सव, ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का पहला वर्ण, अब ये चीजें हम लोग को रटी, हम लोग देखते कर देते हैं उसको उत्सव बनेगा, बस हमें यहाँ पे क्या करना है नियम को ध्यान में रखना, कैसे क्या हो रहा है उस बात को समझना है। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या निकला छोटा हो, उत्तर पद का पहला वर्ण छोटा हो, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा बड़ा हो। गायब किसे करना है तो उत्तर पद के पहले वर्ण को हमें गायब कर देना है, और इस मात्रा का प्रयोग कहाँ करना है तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर करना है, बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए, आपका कभी नहीं गलत होगा। जो मात्रा बनाएंगे उसे कहाँ प्रयोग करेंगे पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर, आइए प्रयोग करते हैं। ये वधु बन गया,
यहाँ पे क्यों गायब है, जो बचा उसी को बन गया था वधोत्सव। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। आइए री की मात्रा का भी प्रयोग करके देख लेते हैं। लिखा है मातृ धन ऋणम, मातृ धन ऋणम, पूर्व पद का अंतिम, उत्तर पद का पहला, तुरंत इसे लाइन खींच दिया कीजिए कि कहां पे हमें किसका प्रयोग करना है, वहां पे उसका प्रयोग कर लिया कीजिए। अब पूर्व पद का अंतिम है तो यहाँ पे कौन सा मात्रा है, रि का, प्लस उत्तर पद का पहला जो वर्ण है वो स्वयं मात्रा है। रि और रि का मेल हुआ तो क्या बनेगा, दीर्घ रि बनेगा। दीर्घ रि ऐसे बनता है, दो बार ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक है, ये दीर्घ रि हो गया। अब गायब क्या करना है, तो उत्तर पद का पहला वर्ण गायब करना है। ठीक है, दूसरी बात, जो मात्रा आप यहाँ पे बनाए हैं, जो मात्रा निर्मित हुई है, उसे पूर्व पद के अंतिम वर्ण का प्रयोग करना है। आप देखिए हर बार वही क्रिया करना है और यहाँ पे जोड़ दीजिए, जो वचन से जोड़ दीजिए, हर बार जितना उदाहरण हम लोग ले रहे हैं सब में नियम एक ही लग रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये है आपका दीर्घ का रूप यानी उदाहरण जो अब तक हम जोड़ के सीख रहे हैं। ठीक है, अब आप इन्हीं को तोड़ना सीखेंगे, कैसे टूटता है, कहाँ से टूटता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि इसमें ऐसा कुछ भी है जो समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसे आपको समझाया जाएगा। आइए इन्हीं को हम तोड़ना सीखते हैं। हमने कलेश्वर बनाया था, पहले परमात्मा को रूप देते आशीष लिखा परमात्मा। ठीक है, हमें पहचान करना है कि ये किस संधि का, तो बहुत ही आसान तरीका है। बस एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि दीर्घ संधि में जब आप विच्छेद करेंगे, दीर्घ संधि का जब आप विच्छेद करेंगे तो उसके दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब आइए, कभी भी कोई आपको संधि दिया है और पूछ रहे उसमें कौन सी संधि है, तो सबसे पहली बात आपको याद क्या रखना है, दीर्घ स्वर संधि में किन किन वर्णों का निर्माण हो रहा है। तो अभी हमने देखा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, इन चार वर्णों का निर्माण हो रहा है, इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चार वर्ण अगर आपके दिमाग में हैं तो आप संधि को देखते ही बता देंगे कि वो कौन से संधि है। तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। बस ये है मेरे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि में आएगा और री का दीर्घ भूमि का दीर्घ नहीं होता, इसका हस्व और त्रुत ही बनता है, तो इसे हम काट देते हैं। अब आइए हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे। कभी भी संधि दिया रहे, कभी भी संधि दिया रहे और पूछ लो उसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या कीजिए, उस संधि के पहले अक्षर को छोड़ दीजिए। अब लगभग या प्राय उस संधि के पहले अक्षर को आप छोड़ दीजिए। उस अक्षर को छोड़ने के बाद आप ऐसा अक्षर ढूंढिए जिस पर मात्रा दी गई हो, लेकिन हस्व नहीं, कोई दूसरे को, हस्व चार मात्राएं हैं, पा उ ऋ, उन्हें हस्व को छोड़कर। तो हम देखते हैं पा को हमने छोड़ दिया, पा के बाद हम मात्रा ढूंढते हैं जहां मात्रा हो, तो माँ पे देख रहे हैं कि बड़ा आकर मात्रा है, माँ पे बड़ा का मात्रा है। अब बड़ा का किस संधि में आता है, बड़ा किस संधि में आता है, अभी अभी हमने बताया कि दीर्घ स्वर संधि में आता है। आपको कुछ नहीं करना, देखिए दो सेकंड, दो से तीन सेकंड में संधि पहचान कर रहा है। कभी भी संधि दिया रखे तो उसके पहले अक्षर को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ऐसा अक्षर ढूंढिए जहाँ पर मात्रा दी गई हो, लेकिन चार हस्व मात्राओं की बात नहीं कर रहे हैं, चार हस्व मात्राएं ना हो। ठीक है, उसके अतिरिक्त अब हमने पा को छोड़ा तो माँ पे हम देख रहे हैं मात्रा है, कौन सा मात्रा है, बड़ा का मात्रा है, कौन सा संधि बन गया, दीर्घ स्वर संधि बन गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमने अभी उदाहरण बनाया था लक्ष्मी इच्छा, हमने ये उदाहरण लिया लक्ष्मी इच्छा, इसे पहचानना है कि कौन सी संधि है, वही क्रिया
पहला अक्षर छोड़ दीजिए, ऐसा अक्षर होंगे जिस पर मात्रा दिया गया हो। माँ की मात्रा है, माँ की कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है। बड़ी किस संघ में आ रहा है? देव स्वर संघ में आ रहा है। उम्मीद करते आप समझ जा रहे होंगे। बस दो से तीन सेकंड, दो से तीन सेकंड में आप संधि की पहचान कर लेंगे। और आप ये दीर्घ में भी नहीं, हम आपको ऐसे तरीके हर संधि में बता देंगे कि आप देखकर देख ही बता देंगे कौन सी संधि है, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो विसर्ग हो। तरीका हम बताएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ ऐसे उदाहरण रहेंगे जिन पे ये नियम लागू नहीं होता, उसे अपवाद के रूप में मान लेते हैं। क्योंकि आप वो भी बता देंगे, क्योंकि उसके भी नियम दूसरे हो जाते हैं, वो भी बता देंगे क्यों। फिलहाल ये तो बात देख ली, पहला अक्षर में दोनों जगह छोड़ा, जहाँ मात्रा मिला वो दीर्घ का मिला, यहाँ बड़ा मिला, यहाँ बड़ी मिली, ठीक है? क्यों को देखते हैं, कौन सा सुना था? वधुत्सव देख लेते हैं। ठीक है, दो से तीन सेकंड आपके लिए, सिर्फ दो से तीन सेकंड है संधि को पहचानने के लिए। पहला अक्षर छोड़िए, ऐसा अक्षर ढूंढिए जहाँ मात्रा है, धातु मात्रा है, धातु कौन सा मात्रा है, बड़ा उ का मात्रा है, बड़ा उ किस संधि में आता है, देख लिया। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ देखते ही आप बता देंगे कि कौन सा संधि है। सिर्फ दो से तीन सेकंड के काम इसमें वही क्रिया सवाल कीजिए कि पहला अक्षर हर जगह छोड़ दिया हमने, उसके बाद ऐसे अक्षर को हमने ढूंढा जहाँ भी मात्रा दी गई हो, जहाँ माँ पे है, जहाँ बी पे है, जहाँ पे स्थान पे तीनों मात्रा है, दीर्घ निकली तो कौन सी संधि बन गया, दीर्घ स्वर संधि बन गया। इन्हीं तीनों को तोड़ना सीख लेते हैं कि तीनों को तोड़ना हम कैसे तोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं पहचान करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहला तोड़ना परमात्मा, नियम वही लागू कीजिए जो पहचान करने में कर रहे हैं। पहले अक्षर को छोड़ दीजिए, फिर ऐसा अक्षर ढूंढिए जहाँ पर दीर्घ मात्रा, जहाँ पर मात्रा हो, जो नहीं कि दीर्घ ही हो, ठीक है? बस वो हस सुना दो, माँ पे मात्रा है, ठीक है? हम क्या करेंगे, उस मात्रा वाले वर्ड तक उतार देंगे। पहले आप बिना मात्रा के उतारिए, अगर उसका अर्थ निकल जा रहा है तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए, अगर अर्थ ना निकलता तो दीर्घ मात्रा का प्रयोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे परम का अर्थ निकल जा रहा, परम अर्थात अत्यंत, ठीक है? परम हो गया। अब माँ पे उस वर्ड पे जो भी मात्रा है उसी मात्रा को उत्तर पद में वर्ड के रूप में बना दीजिए, यही विच्छेद हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना, तो ठीक है? वही काम कि पहले अक्षर को छोड़ा हमने, माँ पे मात्रा था, हमने दीर्घ की पहचान की, ठीक है? अब विच्छेद करते समय उसी वर्ड तक हमने उतार दिए, लेकिन पहले बिना मात्रा के, क्योंकि अगर अर्थ ना निकलता तो मात्रा का प्रयोग कर लेते, फिर अर्थ निकल गया तो मात्रा का प्रयोग नहीं कर रहे माते। अब उत्तर पद में क्या लिखना है, तो उस वर्ड पे जहाँ तक हमने उतारा था उस वर्ड पे जो भी मात्रा है उसी मात्रा को आप उत्तर पद में प्रयोग कर लीजिए, ये यहाँ पर विच्छेद हो गया, परम धन आत्मा, ठीक है? ऐसे कुछ नहीं देखते, पहला अक्षर छोड़े, धातु मात्रा है, ठीक है? हम उपयोग करेंगे लेकिन पहले छोटे मात्रा का अगर अर्थ निकल गया तो आप जैसे कर छोड़ दीजिए, ठीक है? अब धातु पड़ाव का मात्रा है, अब वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे हम, जो मात्रा रहेगा उसे वर्ड के रूप में प्रयोग कीजिए, ठीक है? लेकिन पहले छोटे रूप में अगर अर्थ निकल गया तो आप छोड़ दीजिए, अगर अर्थ ना निकलता तो हम बड़ा उ बना देते उसे, ठीक है? हमने कहा था आवश्यकता के अनुसार दीर्घ और ह्रस्व बनता रहेगा। उम्मीद करते हैं तुम समझ आ जाओगे। ऐसे तीसरा देखिए, लक्ष्मी इच्छा माँ पे मात्रा है, ये पहचान किए थे अभी हम लोग, लक्ष्मी इच्छा लक्ष्मी तक उतार लीजिए। अब यहाँ लक्ष्मी लिखेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, यानी यहाँ छोटी का मात्रा अगर हम लगाएंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए हमें माँ पे इसका प्रयोग करना है, बड़ी का प्रयोग करना है, ठीक है? अब माँ पे जो भी मात्रा है उसी को आप पहले यहाँ छोटा बना के प्रयोग कर लीजिए, अगर अर्थ निकल गया तो छोड़ दीजिए, विच्छेद हो गया। ध्यान से दोबारा इसको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, परमात्मा का हमें विच्छेद करना है, ठीक है? तो आप नियम वो लागू कीजिए जो आप संधि को पहचानने में कर रहे थे। पहले अक्षर को आप छोड़ दीजिए, ऐसा अक्षर ढूंढिए जिस पर मात्रा दी गई हो, फिर उस मात्रा तक जाइए,
ठीक है, मात्रा तक गए, फिर मात्रा तक हमने क्या किया, उतार दिया, छेद कर समय मात्रा तक की वर्ड को हमने उतार दिया, फिर उस वर्ड के जो भी मात्रा है यानी माँ की जो भी मात्रा है उसको हम उत्तर पद में वर्ड बना दिया और बाकी को जैसे का वैसा उतार दिया। ऐसे बदलचों में हमने किया कि धातु मात्रा है परिलक्षण को छोड़ के धातु मात्रा है तो हमने जो यहाँ पर उतार दिया, पहले छोटा मात्रा बना दी क्योंकि अर्थ किसी का मिलता है, फिर जो धातु मात्रा है उसी को उत्तर पद में वर्ड बना के बाकी को जैसी का वैसा उतार देना है। हमेशा ध्यान दें पहले ह्रस्व ही बना दीजिए, अगर अर्थ निकल जा रहा है तो उसे आप छोड़ दीजिए, अगर अर्थ ना निकलता तो दीर्घ का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे लक्ष्मीच्छा आपका है, लक्ष्मीच्छा में भी आप ये कर रहे हैं कि माँ की मात्रा है तो मात्रा हमने उतार दिया, ठीक है, वहाँ भी क्या किया फिर माँ की जो मात्रा है उसी को उत्तर पद में वर्ड बना दिया लेकिन पहले ह्रस्व के रूप में, ताकि अगर अर्थ निकल जा रहा है तो छोड़ दें और अगर अर्थ ना निकलता तो उसी को हम दीर्घ में प्रयोग कर लेते, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये नियम एक दो ऐसे उदाहरण हैं जहां अप्लाई नहीं होता, आगे उसे भी बता देते हैं। भूजल लिखा है, भूजल, अब हम यहाँ पर अगर पहला अक्षर छोड़ देंगे तो उत्तर पद में लिखने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, अगर हम पहला अक्षर छोड़ दे रहे हैं तो उत्तर पद में लिखने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, यही कारण है कि यहाँ पे पहले ही मात्रा को आप देख लीजिए दीर्घ को लिखा है, वही दीर्घ को आपका दीर्घ स्वर संघ बना दे रहा है। विच्छेद कैसे होगा, भू को आप पहले ह्रस्व लिखेंगे तो भू बन जाएगा, तो भू का अर्थ होता नहीं, इसी को आप दीर्घ बना दीजिए, भू मतलब पृथ्वी हो गया, भाव की जो भी मात्रा है उसी को उत्तर पद में वर्ण बना के बाकी को आप उतार दीजिए, भूधन पूजा, भूधन पूजा को जोड़िए तो बन जाएगा भूजा। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यदि इसमें ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसे आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम कोशिश यही करेंगे कि आपको जो भी बताया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये थी आपकी देवचंद की चर्चा, अब इसके बाद हम घोर स्वसन की चर्चा शुरू करते हैं, इसके बाद हम गुण स्वर सं की चर्चा शुरू करते हैं। गुण स्वर संघ, अब गुण स्वर संघ का जो सूत्र होता है वो होता है आर गुणा, जो गुण स्वर संधि का सूत्र होता है वो होता है आद गुणा, ठीक है। अब गुण स्वर संधि में क्या आएगा या इसकी परिभाषा क्या होती है तो आइए देखते हैं। जब पूर्व पद, अब पदों को आप ध्यान में रखिएगा कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, जब पूर्व पद के अंत में, जब पूर्व पद के अंत में आए, ठीक है, ध्यान रहे ये ह्रस्व लिखे हैं, ये जो नहीं कि ह्रस्व ही आए, हम दोनों लिख रहे हैं यहाँ पे, जब पूर्व पद के अंत में आए से कुछ आए तथा उत्तर पद के पहले, उत्तर पद के पहले ई ऊ रि आए, तो जब पूर्व पद के अंत में आ में से कोई आए और उत्तर पद के पहले आ, तो माफ कीजिएगा ई ऊ और री में से कोई आए, ठीक है, तो जब आ का मिल ई से होगा तो ए का निर्माण होगा, जब आ का मिल ऊ से होगा तो ओ का निर्माण होगा, और जब आ का मिल री से होगा
तो अर का निर्माण होगा। अर का मतलब होता है ये ऊपर की जो मात्रा है, ठीक है। उम्मीद करते इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि इसमें ऐसा कुछ भी रहे जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई ऐसा रहे जो ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, उसे आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।